नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कालीफॉस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है एवं होम्योपैथी में किस तरीके से इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो कालीफॉस मेडिसिन होती है वो एक बायोसॉल्ट होता है और होम्योपैथी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल नर्वस वीकनेस में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नर्वस से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो गई हो या माइंड से रिलेटेड कोई सिम्टम आ रहा हो या मेंटल डिजीज हो गई हो या मेंटल रिलेटेड कोई सिम्टम हो, ऐसी कंडीशन में हम कालीफोस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो माइंड से रिलेटेड किन सिम्टम में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं एवं नर्वस वीकनेस में एवं नर्वस से रिलेटेड कोई डिजीज़ में किस प्रकार से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है एवं किन किन सिम्टम में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला यूज़ होता है वो होता है एनजाइटी के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती हो किसी चीज़ को करने में या किसी कार्य को करने में, उसे काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी फील हो रही हो, उसे वो कार्य बिल्कुल भी करने में असहज नहीं लग रहा हो, उसे एक प्रकार का डर हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कालीफोस मेडिसिन एनजाइटी के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी है। इसके अलावा जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है, कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है जिसके कारण उसे एनजाइटी फील हो रही हो, स्ट्रेस के कारण उसकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो, तब ऐसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एनजाइटी एवं स्ट्रेस जैसी कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही लाभकारी उपयोगी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर माइंड से रिलेटेड और कोई सिम्टम हो, जैसे कि डिप्रेशन हो गया हो, अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की कंडीशन हो, जैसे कि उसे हेल्पलेस लग रहा होपलेस लग रहा हो या उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा हो, कोई भी कार्य करने में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा हो, किसी से बात करने का मन नहीं हो उससे, या खाना खाने का मन नहीं हो, कहीं आने जाने का उसका मन नहीं हो, तो एवं हमेशा अकेले बने रहने का उसका मन हो, तो ऐसी कंडीशन में या डिप्रेशन की कंडीशन में भी हम कालीफोस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के अलावा या फिर डिमेंशिया व एल्जाइमर जैसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो, वो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हो, उसे फॉरगेट फुलनेस हो, उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हो, कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती हो, एवन उसकी जो प्रेजेंट की चीज़ें होती है या फिर करंट कंडीशन में जो चीज़ें हो रही हो वो याद नहीं रहती हो, उसे वो बार बार भूल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम कालीफोस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नींद से संबंधित बीमारी के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही लाभकारी है। अगर किसी व्यक्ति की स्लीप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसे रात में नींद नहीं आ रही हो, रात में बार बार नींद खुल रही हो, मॉर्निंग में बहुत जल्दी नींद खुल रही हो या फिर फ्रेश नहीं लग रहा हो सुबह के समय, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि माइंड से रिलेटेड हर सिम्टम में, जैसे कि एनजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिमेंशिया हो गया, एल्जाइमर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इनसोमनिया हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही लाभकारी होती है। अगर इसके अलावा किसी व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, एग्ज़ाम फियर हो, किसी काम करने का मन नहीं हो रहा हो, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा हो या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, हमेशा अकेलेपन महसूस हो रहा हो, हेल्पलेस लग रहा हो, होपलेस लग रहा हो, तो ऐसे हर सिम्टम में कालीफोस मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही लाभकारी है। ये मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है एवं चार चार टेबलेट हम 6x में या 12x में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 6x में इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो चार चार टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम में एक कप पानी में घोलकर इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 3x में एवं 12x में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको भी नर्वस वीकनेस हो, नर्वस रिलेटेड कोई बीमारी हो गई हो, नर्वस में नर्व कमज़ोर हो गई हो, आपकी मेमोरी कमज़ोर हो गई हो, एनजाइटी हो, डिप्रेशन हो या माइंड से रिलेटेड और भी कोई डिजीज़ हो, तब आप कालीफोस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी जो स्ट्रेस की कंडीशन है उसे रिड्यूस करेगा, जो आपकी स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब स्लीप है, उसे ठीक करेगा। आपकी जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। यह आपके माइंड को स्टेबल करेगा एवं आपके जो काम में मन नहीं लग रहा है उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा।
एवं आपकी जो माइंड से रिलेटेड आपकी जो मेंटल सिम्टम है, आपकी जो मेंटल डिसऑर्डर है, आपकी जो मेंटल डिजीज़ है, उसे क्योर करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एवं हेल्पफुल होती है। इसीलिए अगर आपको या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, डिप्रेशन कंडीशन में हो, या काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी रहती हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ रहती हो, या ऑफिस वर्क के कारण वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस वीकनेस फील कर रहा हो, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन की कंडीशन में हो, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है और होम्योपैथी के में इस मेडिसिन का यूज़ माइंड के सिम्टम में बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। इसीलिए अगर आपको भी माइंड से रिलेटेड कोई समस्या है, एनजाइटी डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो, तब आप इस मेडिसिन का यूज़ अवश्य कीजिए। धन्यवाद।